इस प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जगहों से जिंदा कैसे बचकर निकला जा सकता है। मैं कुछ ऐसी जानलेवा जगहों पर मुश्किल चैलेंजेस का सामना करूंगा, जहां अगर आपको सही सर्वाइवल स्किल्स ना पता हो तो आप एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। अब मैं उत्तर में उबड़ खाबड़ कोस्ट ऑफ केप रॉथ पर हूँ। यहाँ खतरनाक ढलान है जिन पर आपका एक गलत कदम आपका आखिरी कदम हो सकता है। ये इलाका बिल्कुल बंजर, सुनसान और खतरनाक है। मैं हूँ योगेल्स। तो आज हम आए हैं उत्तराखंड के एक ऐसे ही घने जंगल में जहाँ हम सर्वाइव करने वाले हैं। आज ये हमारे साथ हमारा दोस्त फाल्गुनी आए हैं। तो आज मैं इसे सिखाऊंगा कि यहाँ पर जिंदा कैसे रहा जाता है। इन चार दिनों में हम यहाँ पर बताएंगे कि जिंदा कैसे रहा जाता है और यहाँ पर इन जंगलों में सर्वाइव कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही घना जंगल है, यहाँ पर अब तक काफ़ी सैलानी फंस चुके हैं। ये बहुत ही घना जंगल और बहुत ही डरावना जंगल माना जाता है। यहाँ के हर एक चीज़ में खतरा है, जो कि देख सकते हैं। हम यहाँ पर अभी 10,000 फुट की ऊंचाई पर हैं, जो कि हम यहाँ से छलांग लगाने वाले हैं। तो यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और हमारे पास है एक छोटा सा चाकू। चाकू इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ, भालू, अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो इस चाकू से हमें उसे बचने में मदद मिलेगी। और अनेक प्रकार के यहाँ पर खूंखारी कीड़े भी मिलते हैं, जो कि बहुत डरावने होते हैं। तो आज का सफ़र हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी आपने मेरे पीछे एपिसोड तो देखे होंगे, कैसे लगे आपको एपिसोड? आपने बहुत बड़ा प्यार बरसाया था। तो हम यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेवल का। तो चलो फिर ये स्टार्ट करते हैं। मुझे जहाँ उतरना है वो जगह समंदर की सतह से 1600 मीटर ऊपर है और मैं नदी के एक सूखे ताल में उतरने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ से इस जंगल का सफर स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम बताते हैं कि हम कैसे जिंदा रह सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास चाकू है जो हमारी बहुत मदद करेगा। तो इसको अब हम अपने जेब में रख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी काम आएगा। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट। तो कैमरामैन हमारे साथ, एक कैमरामैन है और हमारे साथ एक फाल्गुनी है। तो हम इस जंगल का रूबरू करवाएंगे। तो चलते हैं फिर, आइए। यहाँ पर काफी फिसलन है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर काली मिट्टी है, एकदम बहुत ही काली मिट्टी है। और ये जो ये पत्ते गिरे हैं ना, ये ऊपर से ये बड़े बड़े पेड़ के पत्ते गिरे हैं। जब यहाँ पर मतलब जो कमजोरी आ जाती है ना इन पत्तों पे, फिर ये गिर जाते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी गुफा मिली है जो की यहाँ पर लगता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा जानवर होता है। इसके अंदर उसका मल भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर छोटे से वो होते हैं काखड़ के, मतलब हिरण के, काखड़ के बच्चे होते हैं। तो वो यहाँ पर रहते हैं और बाहर से यहाँ पर पहरेदारी करते हैं हिरण की माँ। और तो देख सकते हैं यहाँ पर भालू के खतरा भी काफी तगड़ा होता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर एक बहुत ही बूढ़े पेड़ में। और ये बूढ़ा पेड़ है 1880 में बना था, जो 1880 में मतलब ये काफ़ी छोटा था। और वहाँ काफ़ी बुजुर्ग कहते हैं ये जब ये पेड़ लगाया गया था ना, काफ़ी छोटा था और काफ़ी खूबसूरत भी था। लेकिन अब देख सकते हैं इसकी दशा, देख सकते हैं कैसा हो चुका है ये पेड़। ये पेड़ अब थोड़ा सा हाथ लगाने पर भी ऐसा टूट जाता है क्योंकि इनके अंदर जो चींटियाँ हैं ना, चींटियों ने पूरा खा दिया है इनको अंदर से और पूरी मिट्टी मिट्टी बना दी है। ये देखिए मिट्टी गिर रही होगी। और ये पेड़ बुरांस के पेड़ के नाम से जाना जाता है। इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे फूल होते हैं जो कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध फूल है। तो यही है वो पेड़, आप लोग देख सकते हैं ये। तो अभी हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में और काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी रहता है यहाँ पर, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे टाइम के हिसाब से। चलो फिर, ये है मेरा हथियार। समस्या ये है कि मैं अभी 1600 मीटर की ऊंचाई पर हूँ और नीचे जाने के बाद पानी मिलने की संभावना ज़्यादा है। पानी के लिए मुझे नीचे जाना होगा। अगर मैं नदी के सूखे ताल के रास्ते बढ़ता रहा तो दक्षिण में काफी दूर पहुंच जाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये किसी जानवर का मल है। और यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा मल पड़े हुए हैं। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा मल पड़ा है। शायद ये काखड़ या हिरण गोल्ड का हो सकता है। तो हमें मतलब इसी रास्ते से आगे की ओर गया है।
तो आगे है फाल्गुनी, आगे है कुछ? हाँ, आगे भी है, आगे भी है। आ जाइए कमरे में। तो यहाँ पर देखिए कितना भयंकर निशान बना रखा है, मतलब यहाँ से आगे की ओर गया है, ये देख सकते हैं मेरे हाथ बराबर है, मतलब काफी मोटा जानवर होगा। यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पर काफी फिसलन है, क्योंकि जो ये पत्ते हैं ना, ये काफी फिसलन भरे होते हैं, और यहाँ पर अभी काफी टाइम से बारिश भी नहीं हुई है उसकी वजह से। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग, ये इतना प्यारा है ना, ये जब आदिवासी रहते थे ना, तो इन्हीं के कपड़े बना के ये पहना करते थे, देख सकते हैं। ये अभी भी अब तक भी जिंदा है, क्योंकि ये पहाड़ों में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके में काफी ज्यादा होते हैं ये। ये देखिए यहाँ पर ये पैरों के निशान हैं, ये मुझे किसी स्कंक के लग रहे हैं, चार पंजे हैं, काफी छोटे, और पैर की गद्दी और फिर एड़ी। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही घना जानवर रहा था, यहाँ पर जो वो था, यहाँ पर एक सुअर, सुअर के बच्चे, पूरी फैमिली ने यहाँ पर अपना डेरा बना रखा था। ये देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक खोद के रह रहे थे। जो जानवर होते हैं ना यहाँ पर, जंगली जानवर ऐसे इलाके में रहते हैं, और यहाँ पर आराम से इन्होंने मतलब रहने का इंतजाम किया। ये देखो इसका निशान भी देख रहे होगे, जो ऐसे में पंजा डाल रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर ऐसे में निशान बन रखा है। तो ये इसी रास्ते से आगे की ओर गए हैं, मतलब हमें आगे कुछ जानवर मिल सकते हैं, मतलब यहाँ पर काफ़ी खूंखार जानवर भी होते हैं, और यहाँ पर भालू भी होते हैं। एक बात तो ये, इन पर भालू भी होते हैं जो इन्हें बड़े बड़े पेड़ों में रहते हैं, इन पर जो ये बीज होते हैं ना, बांझ के, ये बांझ बोला जाता है, जो इनके बीज होते हैं ना वो खाते हैं वो, और जैसे कि यहाँ पर गिरे भी होंगे कहीं कहीं पे, पर लेकिन जैसे मिलेंगे ना आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये है ना जो बीज, वो जो ये अंदर के बीज है ये खाता है भालू, और अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर रखे हैं, ये देख सकते हैं जैसे चारों तरफ दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो अभी तो यहाँ पर भालू नहीं है, आगे की साइड होगा, तो हम वहाँ जाके दिखाएंगे, अगर आपको हमें कुछ जानवर दिखा तो बिल्कुल पूरा कैप्चर करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। मैं किसी तरह इस किनारे तक पहुँच गया हूँ, यहां से ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता, यहां से आगे बढ़ता हूं। अगर यहां मेरा पैर फिसला तो मैं करीब 140 फुट नीचे उन पत्थरों पर गिरूंगा। यहाँ पर हमें काफी बड़े बड़े बाल मिले हैं, जो कि यहाँ पर भालू या सुअर के हो सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। जो जब ये यहाँ से गुजरा होगा ना आगे की ओर, तो यहाँ पर ये देखिए इसके बाल, जो यहाँ पर लगा होगा उसका शरीर, तो इसमें बाल गिर गए होंगे। ये तो भालू जैसे बाल लगते हैं, ये देखिए कितने मोटे बाल हैं, सुअर के भी हो सकते हैं, जो क्योंकि वहाँ पर उसने बसेरा बना रखा था अपना, तो यहाँ से आगे की ओर गया है। इन बालों को हम यहीं पर लगा देते हैं। भाई काफ़ी डरावना है, यहाँ पर आगे कोई भी जानवर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अनेक अनेक प्रकार के जानवर मिलते हैं। तो हम इसी रास्ते से आगे जाते हैं, इन्होंने रास्ता भी बना रखा है। तो हमारे पास तो है चाकू है, अगर कोई डर हो तो चाकू से हम कुछ अपनी बचाव के लिए कर सकते हैं। तो आइए कैमरामैन। जान बचाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे सुरक्षा, बचाव, पानी और खाना। और इसे तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम आगे आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एक बहुत विशाल का पेड़ है। ये यहाँ पर ये काला क्यों हो रखा है आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आज आपको पूरा रूबरू कराऊंगा ये पेड़ काला क्यों हुआ है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पर 1875 में जब यहाँ पर एक बिजली गिरी थी ऊपर से, जो आसमान में गड़कती है, वो बिजली यहाँ पर गिरी थी इन पेड़ों पे, तो जो इसका यहाँ पर लावा आया था ऊपर से, मतलब गिरता हुआ जो वो बिजली आई थी, वो जैसे ये पेड़ पे गिरी तो उसकी वजह से इसमें आग लग गई, तो ऊपर से पूरा कट रखा हुआ, जल रखा हुआ नीचे, और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ भी जले थे। ये तो अभी आजकल नए नए आ रखे हैं पेड़, उपजाऊ रखे हैं, तो यही कारण था इसका काले होने का। मतलब यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेड़ दिखेंगे काले हुए, तो ये इसी का कारण है। तो जंगलों में रात को किसी पेड़ के नीचे ना सोएं आप लोग, ये ज़रा ध्यान रखें। अगर आप लोग किसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं तो बिजली गिरने का खतरा भी होता है इन मानसूनों में। तो हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर जितना जल्दी हो सके हमें किसी गधेरे या सोते की ओर जाना होगा, क्योंकि उस सोता हमेशा
कोई नदी या झील के पास ले जाके और बस्ती तक ले जाता है। तो आप लोग आते रहिए। अपने लिए मैंने एक लकड़ी रख ली है, जो कि अगर कोई जानवर आए ना तो उससे बचने के लिए, बचाव के लिए अपने पास एक चीज होना ही चाहिए। तो आइए, बाकी फाल्गुनी के पास तो है ही बचाव के लिए, तो हमारे पास भी होना चाहिए। आगे रास्ते का सही अंदाजा मिल जाए तो जान बचाना आसान हो जाता है। बहुत सारा खोदा हुआ है जंगली मुर्गों ने, और मेरे को यहाँ पे एक पंख मिला है, ये जो कि जंगली मुर्गे का है। जब ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं दो मुर्गे, तो वहाँ पे पंख छूट जाता है इनका, ठीक है। और अब आपको आगे दिखाते हैं हम, क्या पता आगे हमको मुर्गे ही मिल जाए, अभी तो पंख ही मिला है। यहाँ बहुत ज़्यादा खोदा हुआ है, ऊपर ऊपर तक देख सकते हैं आप, बहुत खोदा हुआ है। इनके ऊपर पत्ता गिरा, ये देखो यहाँ भी बहुत खोदा हुआ है। ऐसा लग रहा है यहाँ कम से कम बहुत ज़्यादा ही मुर्गे हैं। ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, देखो गौर से सुनिए, कुछ आवाज आ रही है। आवाज आगे से आ रही है, तो आगे की ओर चलते हैं। मुर्गे के पंख में इनको गाड़ देते हैं। आवाज यहीं से आ रही थी, वो देख सकते हैं आप वहां पे, ये कुछ वाइट वाइट सा है। चलिए थोड़ा पास जाते हैं। अरे भाई साहब, देख सकते हैं आप, इतने से छोटे से छेद में ये घुस गए हैं। ये हाँ हाँ कर रहे हैं। अरे कौन सा जानवर है ये, देख सकते हैं आप, ये तो लग रहा है किसी अंडे से निकला है। अभी लगता है कुछ हो चुका है इन्हें। यहाँ पे देखो एक डंडा भी रखा हुआ है, देखो कितना मोटा है। हमें यहाँ पर बंद करके रखा गया था, बहुत बड़ा जानवर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं हम कितने छोटे से फिल के अंदर बैठे हुए हैं, इतने अंदर घुसाया हमने। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं, जो कि उसने अपने ही घोल में रखा है मेरे को, तो आप बचाओ मेरे को यहाँ से, बचा के निकालो, काफी डरावना पेड़ है यहाँ पर, ये छोटा सा भालू ने मेरे को यहाँ बंद करके रखा है। तो जैसे कि आप मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ, ये तो बोलने ही नहीं दे रहा गाइस मेरे को। चलो गाइस, अब ये जैसे कि इन्होंने बोला कि इनको यहाँ बंदी बनाया गया है, तो हम इनकी मदद कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इनको निकालने में हम मदद करेंगे। ये बोल रहे हैं कि आगे जानवर है, उसने इन्हें बंदी बनाया है, तो हम देख लेंगे उस जानवर को भी। रुकिए रुकिए, आइए। मैं यहाँ फंस चुका हूँ बुरी तरीके से। ये बहुत ही बुरा हुआ, हट जाओ वहां से। मेरे को कम से कम 4 दिनों से यहाँ पर बंदी बना के रखा गया था, इतने छोटे छेद में, और यहाँ पर काफी डरावने जानवर हैं। वो छेद दिखाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए, हम बहुत दूर से आए, हम यहाँ जंगल के बाहर। क्या घुसने आए हैं आप लोग? ज्यादा कुछ नहीं, हम बस इधर लोगों को सिखाने आए हैं कि जंगल में कैसे रहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिए, आगे काफी ज्यादा जानवर मिल सकते हैं आप लोगों को। हाँ, तो सतर्क रहिए और मेरे पीछे आइए, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी दिनों से बंदी बन के रखा गया था, और मेरे को यहाँ के सारे रास्ते पता है, तो आप आइए। तो जैसा कि ये बोल रहे हैं कि इनके पीछे आना है, इनको यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, तो हम इनके पीछे ही जाएंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं ये कहाँ बंदी बना रखा था इन्हें। तो थोड़ा सा उधर फोकस कर लीजिए कैमरामैन। ये तो कुछ ज्यादा ही डरावना है। चलो आगे चलते हैं, उनके पीछे पीछे जाएंगे हम, आप पीछे पीछे आइए, हम आपको और भी कई सारी चीजें बताएंगे यहाँ पे। मैं कई 100 फुट नीचे आ चुका हूँ, और अब यहाँ से नीचे की जमीन काफी करीब है। वो, 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 वो। रुको रुको, पीछे पीछे आइए।
और मैं अगर बस्ती तक पहुंचा सकूं तो आपको सेफली बस्ती तक पहुंचाऊंगा। तो आ जाइए अगर मैं कुछ लोग मिले तो। तक ले जाएगा ये रास्ता, तो इसी रास्ते की ओर से आगे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं हम। और यहाँ पर काफी ज्यादा निशान भी है, ये देखिए यहाँ पर जानवरों के काफी ज्यादा निशान है और जानवर बस्ती के आसपास पाए जाते हैं। ये रास्ते में देखिए कितने बड़े बड़े फांसी के फंदे लगा रखे हैं, किसी जानवर के किसी इंसान के कहाँ। रात में यहाँ का तापमान 0 से नीचे 23 डिग्री तक चला जाता है, इसीलिए मैं जल्द से जल्द सिर छिपाने के लिए एक जगह बनाना चाहता हूँ। बाकी थोड़ा सा आराम कर लिया है हम लोगों ने, अब हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डरावना जंगल भी है और यहाँ पर अनेक प्रकार की फांसियाँ भी लगाई गई है किसी ने, और हमारे मेरा गला फंस चुका था तो थोड़ा सा दिक्कत हो चुकी थी। और हमें पानी का सोते में पहुँचना चाहिए क्योंकि हमने आज सुबह से थोड़ा सा भी पानी नहीं पिया है। अगर हमारे शरीर के अंदर पानी ना हो तो डिहाइड्रेशन की कमी हो सकती है और जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। और हमें यहाँ से आगे की ओर नीचे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, कोई बस्ती मिलेगी तो वहाँ से हमें मदद के लिए ललकारना चाहिए। तो चलते हैं फिर आगे की ओर, इसी वाले रास्ते से बढ़ते रहेंगे हम। देखिए यहाँ से नीचे बस्ती दिख रही है हल्की फुल्की, वो देखिए वहाँ पर यहाँ से बीच से देख सकते हैं शायद वहाँ पर बस्ती कुछ लोग हो सकते हैं। आई थिंक हम ट्राई करेंगे यहाँ से जाके, अगर कोई मदद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें यहाँ पर भटकते भटकते 2 दिन हो चुके हैं, हालांकि हमने आराम नहीं किया है, 2 दिन से लगातार चलते जा रहे हैं। यहाँ पर अंधेरा भी होता नहीं है, ये बात तो बहुत यूनिक है, आप लोग जा नहीं सकते हैं। तो आइए इसी रास्ते से बढ़ते रहते हैं। यहाँ से नीचे उतरना उतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था, आप यहाँ से खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर दो रास्ते, एक यहाँ धाड़ी के अंदर से है, एक यहाँ पर शायद किसी कोई मिट्टी खोदता है, यहाँ पर कोई जानवर रहता है या कोई। तब तक मैं आसपास का इलाका देख लेता हूँ। कई साल लोगों ने इस बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश की, लेकिन इन हालात से परेशान होकर वो सब कुछ छोड़कर चले गए। ये किसी फल का पेड़ है, यहाँ पर देखिए आप। ये देखिए यहाँ पर कोई फल का पेड़ मिल चुका है हमें, अखरोट। ये अखरोट का पेड़ है शायद, अखरोट का पेड़ है शायद। ये देखिए यहाँ पर एक फल का है। घने जंगल में यहाँ पर एक फल का पेड़ कहाँ से आ गया, शायद कोई जानवर फल लेके आया होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर लग गया है। इसका बीज गिरा होगा, बीज गिरा और वो लग गया। अरे हमने सोचा ये बस्ती होगी लेकिन यहाँ पर शायद पहले काफी लोग रहा करते थे, इसकी वजह से यहाँ पर बस्ती जैसा पूरा खुला खुला आसमान दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर सब कुछ टूट चुका है और वो छोड़ के चले गए हैं इस बस्ती को। हमें क्या नीचे बस्ती मिलेगी, लेकिन वहाँ गदेरा जरूर है, वहाँ पर हमें पानी भी मिल सकता है, तो हमें उस गदेरे में जाने की सोचेंगे, तो क्या पता हमें वहाँ पानी मिल जाए। और अभी हम थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, क्या पता वहाँ पर भी हो सकते हैं बस्तियाँ, तो हमें ये वाला रास्ता अपनाना होगा यहाँ से, क्योंकि उस साइड से ज़्यादा झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियों के बीच में जानवर कुछ भी कर सकता है, जानवर हो सकते हैं वहाँ पर। तो हमें जगह का अभी थोड़ा सा तो पता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो अभी कहाँ से पता होगा। यहाँ देखिए क्योंकि झाड़ियाँ यहाँ देखिए इतनी ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर ये देखिए लाल लाल कुछ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग,
ये जो लाल लाल लगा हुआ है ना, ये यहाँ पर ये काफी जानवरों का पौष्टिक फल है। ये जानवर खाते हैं। अंदर से देखिए पूरा लाल है। हम भी इसे खाने के तरीके में खा सकते हैं। काफी खट्टा है ये, बट अभी भूख लगी है तो कुछ भी खा सकते हैं। काफी खट्टा है तो नीचे देखते हैं कुछ और मिलेंगे। तो काफी भूख भी लग चुकी है और ठंड काफी ज्यादा लग चुकी है, तो हमें यहाँ पर आग भी जलानी होगी। तो चलिए पहले नीचे पे कहीं पे आज आराम करने के लिए थोड़ा सा वो बनाते हैं। यहाँ इंसान को छोड़कर जाता है तो कुदरत उसे अपने कब्जे में लेती है। देखिए हम छोटी सी बस्ती में पहुंचने वाले थे, लेकिन ये बस्ती काफी पुरानी है, काफी साल पुरानी है, और यहाँ के जो आदिवासी रहा करते थे ना, वो चले गए हैं यहाँ छोड़ के, और ये बस्ती काफी सुनसान हो चुकी है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, हमें दूसरी बस्ती ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पे जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाथ भी देखिए कितने ठंडे हो चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आग जलाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करते हैं आधा घंटे। तो चलते हैं फिर यहाँ से। और यहाँ काफी ज्यादा ओस गिर रखी है, जो ओस बोलते हैं ये रात को गिरती है, और काफी गीला हो रखा है। देखते हैं आग जलती है नहीं जलती है। आइए फिर कैमरामैन पीछे। और यहाँ पर ये बिच्छू घास बोला जाता है, इसे भी खाते हैं पहाड़ी लोग, लेकिन यहाँ पर अभी हम किसमें बनाएंगे, इसमें बना नहीं सकते। यहाँ पर काफी ज्यादा फल फ्रूट के पेड़ भी हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पर कितने ज्यादा मल गिरा हुआ है, ये देख सकते हैं क्या हुआ है वो। ये यहाँ पर पता नहीं कौन सा जानवर रहा करता था, इतना ज्यादा मल। भाई साहब मतलब बड़ा ही जानवर होगा यहाँ पर, बारहसिंगा या हिरण। बारहसिंगा हो सकता है, क्योंकि बारहसिंगा इतने बड़े मल कर सकता है। तो अभी हम इस वाले बस्ती में जाके यहीं पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आपको आगे कंटिन्यू मतलब जब तक बस्ती ना मिली तब तक चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा 2-3 दिन का सफर खत्म हो चुका है। आखिरी दिन बचा है, वहाँ पे पानी की प्यास भी लग चुकी है, वहाँ की गदेरा भी वहीं पर है, तो हम पानी भी पी लेंगे। थोड़ा देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। शायद थोड़ा थोड़ा धुआं लग चुका है, वो सुलगने वाली है। ये दो जगमग पत्थर है हमारे, तो इनसे आग जलाई है हमने। हल्का हल्का धुआं ही धुआं आ रहा है इसमें, अभी सुलगने वाली है। सुलग गई दोस्तों, सुलग गई। तो ये ऐसे जलाते हैं यहाँ पर आग, जब आपके माचिस मुचिस कुछ ना हो आपके हाथों में, तो आप इन दो पत्थरों से भी आग जला सकते हैं। ऐसे रगड़ेंगे तो यहाँ पर सीधा एक चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आग जल सकती है। और सूखी घास होनी चाहिए आपके पास, और ऐसी लकड़ियाँ होनी चाहिए, जो कि अभी देखिए आग कितनी मस्त पकड़ती है। तो आग जलाने के टेक्निक ऐसा होता है दोस्तों। काफ़ी ठंड हो चुकी थी, तो हमने सोचा आग जला लेते हैं। तो आग भी जल चुकी है इस सुनसान वीरान इलाके में, तो देख सकते हैं आग भी जल चुकी है। आराम से बैठ के अब थोड़ा सा यहाँ पर आराम करेंगे, फिर निकलेंगे आगे की ओर। हम गए ऊपर, बड़े कैमरामैन नीचे आग से क्यों, अब ऊपर से क्यों, रवि आग से क्यों। अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाली बस्ती की ओर, क्योंकि यहाँ से जो खड़ी चढ़ाई है ना, ऐसा लग रहा है ऊपर बस्ती हो सकती है, क्योंकि हम वहाँ से आ चुके हैं। अभी हमने रेस्ट किया था वहाँ पे आग जला के, तो काफ़ी ठंड हो चुकी थी, और बाकी अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है, या बारिश भी गिर सकती है, बर्फ़ भी पड़ सकती है। यहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है और बारिश भी गिरती है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर छोटे छोटे सोते बने हुए हैं पानी के लिए, ये जानवरों के पानी के लिए हैं। यहाँ पर जानवर पानी पीते रहते हैं आके। यहाँ पर देखिए जानवरों के निशान भी होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हमें यहाँ से अंधेरे होने से पहले किसी बस्ती या कोई जगह ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी सोते के आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, कहीं बस्ती तो मिल ही जाएगी। तो आइए कैमरामैन आप लोग पीछे से। जंग में जाने वाले पायलट्स को इस तरह का स्ट्रॉ दिया जाता था, जो उनके सर्वाइवल किट में होता था। अगर वो किसी हादसे का शिकार हुए तो वो पानी पीकर अपनी जान बचा सकते हैं। पानी तो साफ लग रहा है, मेरी टी शर्ट के पसीने का थोड़ा सा स्वाद है, लेकिन पानी पीने लायक है और सुरक्षित भी। हाथ डालेंगे तो भाई साहब जम जाएंगे, क्योंकि बर्फ से भी काफी ठंडा है, और यहाँ पहाड़ों में ऐसे ही ठंडा पानी मिलता है ऐसे सोचों से। बाकी देखिए यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, काफी खतरनाक जगह है यहाँ से। और जो ये देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं और ये जो यहाँ पर भूस्खलन हो रखी है ये काफी टाइम पुरानी बात है। यहाँ पर जब यहाँ पर बाढ़ आई थी ना, जब कहते हैं यहाँ पर 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, तो उस समय की बात है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पानी आ चुका था और भूस्खलन से यहाँ सारे पेड़ पौधे, ये देखिए धराशायी हो रखे हैं, सारे पेड़ पौधे टूट चुके थे उस समय और ये बड़े बड़े पत्थर ऊपर से बहते हुए आए थे नीचे की ओर। तो इसी का कारण है यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे आप लोगों को। वहाँ पे हम यहीं से चढ़ाई करते जा रहे हैं, कोई बस्ती तो मिल ही जाएगी ऊपर की साइड। बाकी हमें भूख भी लग चुकी है, कुछ खाने को मिला नहीं इन जंगलों में, तो हमने काफ़ी कड़ी परिश्रम की, काफ़ी मेहनत भी की यहाँ पर। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर अभी जीता है थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पर सर्वाइवल टेक्निक आते हैं थोड़ा बहुत, इसकी वजह से अभी हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन बात में बहुत इंटरेस्ट लेता है, अभी सुन तो सुनाएगा बस। तो अभी हम यहीं से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसा लगता है ऊपर की साइड पूरा उजाला दिख रहा है, तो उस साइड बस्ती भी हो सकती है ना। तो हम यहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं, देखिए पेड़ भी कितना प्यारा बन रहा है। ओह, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल टेक्निक सीखी है। मैं पहले ब्रिटिश फोर्सेस में रह चुका हूँ और काफ़ी बड़ा मैनेजर, वहाँ का मैनेजर था मैं, लेकिन अभी देखिए यहाँ के छोटा हो चुका हूँ मैं मैनेजर। तो आइए कैमरामैन आप पीछे पीछे, हम आगे आगे जा रहे हैं, आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। और ये काफ़ी भीड़ भरा जंगल है, चारों तरफ आपको बांस, ग्रास, देवदार, एनीथिंग और एनी प्रकार के पौधे मिलेंगे, जो कि यहाँ पर काफ़ी जड़ी बूटी वाले पौधे भी पाए जाते हैं इन पहाड़ों में। और इन पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा मतलब 6 महीने में ठंड होती है, 6 महीने भयंकर गर्मी होती है, यही बात है इसमें। और जब यहाँ पर ठंड होती है तो काफ़ी भयंकर होती है, यहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। तो ये देखिए लकड़ियाँ यहाँ पर इसी की वजह से टूटे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ गिरती है तो इन लकड़ियों पर ज़्यादा गिरती है, उसमें ज़्यादा वजन होने की वजह से पेड़ टूट जाते हैं। तो अभी मैं जो पेड़ पे चढ़ाऊँ, ये है बुरांस का पेड़, इसका जूस भी बनता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ, मेरे साथ बहुत ही थोड़ा सा दूषित लग रहा था, क्योंकि ऊपर से सुनामी आई हुई थी, थोड़ा सा धीरे धीरे धीमा धीमा पानी बह रहा था वो, लेकिन अब हम ऊपर कहीं बस्ती ढूंढ के वहीं पानी पियेंगे। और हालत देखिए आप लोग, हो अब तो घर जाके नहाना पड़ेगा, ऐसी हालत हो चुकी है, ठंड में काफ़ी ज़्यादा हाथ जम चुके हैं। और हाथ देखिए, हाथ की हालत ऐसे ही रहेंगे बस, जब हम गर्म पानी से नहाएंगे कहीं जाके बस्ती वस्ती में जाके, तो तभी हमें सुकून मिलेगा, सुकून की नींद आएगी। अभी हम इस टूटे हुए पेड़ में बैठे हैं, जो कि यहाँ से टूटा है आंधी तूफान की वजह से, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आते रहते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर टूरिस्ट लोग आए थे यहाँ पर घूमने के लिए इस जगह में, तो वो जंगल रास्ता भटक चुके थे, बहुत पुरानी बात है। तो ऐसे ही आंधी तूफान चल रही थी, तो ऊपर से पेड़ गिरा था, तो उसके नीचे जाके मतलब दब गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आते रहते हैं, आप लोग सतर्क होकर आइए। यहाँ पर हम तो थोड़ा सा सिक्योरिटी की वजह से आए हैं यहाँ पर,
क्योंकि अगर एक भी गिरेगा तो दूसरा निकाल लेगा, तो दो दो आए हैं हम लोग। चलो फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं ऊपर की ओर। ये देखिए ये पौधा एक मतलब पहाड़ों के इलाके में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो इसके जो ये है ना पंखुड़ी, ये ऐसे उड़ती है, देखना है, मैं फूंक मारूंगा। वाओ, काफी मस्त है, देख सकते हैं आप। ऐसे भी हिलाएंगे ना आप लोग, ऐसे ही इसके वो छूटते रहेंगे, देखिए कितने मस्त लग रहे हैं। तो अब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ जंगल में नहीं रुक सकते। अब जानवरों का मतलब जानवर अपने दिल से बाहर निकल जाएंगे अब थोड़ी देर में। तो हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे जितने जल्दी हो सके, इस घने जंगल को छोड़ने की कोशिश करेंगे। और अचानक मुश्किलें बढ़ गई हैं। काफी थकान हो रही है, सांस फूल रही है ऊपर जाने में। मैं तो जिंदगी में कभी नहीं आने वाला ऐसे इलाकों में बिना सिक्योरिटी के, मत जाइए। साथ में दो लड़िए भी रख लेंगे। काफी थकान लग चुकी है और अभी हम पहुंचने वाले हैं किसी बस्ती में, क्योंकि हमें एक रास्ता मिल चुका है, सीधा रास्ता। तो इसी रास्ते के उसमें होते होते जाएंगे हम, तो ऊपर जाके हमें कोई बस्ती तो मिल ही जाएगी। बाकी काफ़ी थक लग चुकी है, हम यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। काफ़ी थक लग रही है दोस्तों इस चढ़ाई में चढ़ते समय। आप लोग कभी मत भटकिए ऐसे सुनसान रास्तों पर, हमने काफ़ी गलती कर ली है, आप लोग माफ ना। वो तो हम आपको एक सूचना देने के उसमें बना रहे, तो आप लोगों को बता। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ इतनी मौतें क्यों होती हैं। यहाँ हर चीज एक खतरा है। यहाँ की धूप, धारदार कांटों वाले कैक्टस, झाड़ियों से भरा मैदान आ गया है और ये संकेत है कि इंसानों की बस्ती आसपास ही होगी। काफी कचरा पड़ा है, इसका मतलब आसपास इंसान रहते होंगे। जल्दी से खाना वाना खाएंगे। यही था सर्वाइवल पॉइंट, और आप लोग भी ऐसे सर्वाइवल रास्ते में मतलब कुछ टेक्निक लेके जाते रहिए। ऊपर से कुत्ता भी भौंक रहा है, मतलब हम पहुंचने वाले हैं। तो मिलते हैं कर ऐसे ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और काफी थक चुके हैं। बाय बाय गाइस, ख्याल रखिए। मुझे यहाँ आकर फिर से ये सबक मिला है कि कुदरत ना तो हमारी दोस्त है ना ही हमारी दुश्मन। ऐसे इलाकों में जान बचाने के लिए अगर कुछ काम आता है तो हमारा हुनर, सच्ची लगन और उसके साथ ही घर लौटने का हमारा जज्बा।